एक्चुअली मैं वही कहना चाहूँगा कि हाल ही में कई म्यूजिक डायरेक्टर्स आ गए हैं इंडस्ट्री में एंड लेकिन मैं उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं कहता, मैं उन्हें कंपोजर्स कहता हूँ। तो जो कंपोजर्स होते हैं उनके पास रेडी गाने होते हैं, कोई रोमांटिक गाने होते हैं, कोई आइटम नंबर्स होते हैं, कोई डांस के गाने होते हैं, तो वो गाने ऐसे होते हैं जो कई कई फिल्मों में लग जाते हैं और वो गाने हिट भी हो जाते हैं और कई गाने नहीं भी चलते हैं। बट म्यूजिक डायरेक्टर जो एक टर्म है उसमें ये वर्ड डायरेक्टर इतना ज़रूरी है क्योंकि संजीव दर्शन हैव ऑलवेज बीन द डायरेक्टर्स म्यूजिक डायरेक्टर, कि जो कहानी चाहती है, जो सिचुएशंस चाहती है, जो फिल्म का एक ग्राफ होता है। जैसे आपने कहा कि 80 के दशक का अगर म्यूजिक होगा तो म्यूजिक डायरेक्टर का ये काम होता है कि उसमें झलक होनी चाहिए 80 के दशक की, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे वो राइटिंग में हो संजीव जी की। तो अभी हमारा जो हम जो अभी हार्डवर्क करेंगे वो ये होगा कि किस तरह हम इस फिल्म के लिए करेक्ट म्यूजिक क्रिएट करें। कॉपी ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में डैडी को तो बहुत डैडी को तो हर गाना पहले जब कंपोज होता है तो डैडी को सुनाया जाता है और डैडी का कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई एक कमेंट आ जाता है तो बहुत स्ट्रिक्टली हम उसको फॉलो करते हैं एंड डैड ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं हम लोग जो भी बनाते हैं। बट येस, एज फार एज म्यूजिक डायरेक्शन इज कंसर्न, हमें बहुत अच्छा ये सीखने मिला डैड से। आनंद बख्शी साहब ने हमें एक दिन कहा था कि बेटा अगर आप म्यूजिक बना रहे हो तो फिल्म की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से म्यूजिक बनाओ, तो वो म्यूजिक सदाबहार रहेगा, वो म्यूजिक लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो वही हमारी कोशिश। एक्चुअली हुसैन साहब मेरे मतलब 15 साल से दोस्त हैं और अगर आप 15 साल तक किसी के साथ हो तो आप समझ जाते हो कि एक्चुअली उनके मन में क्या है या जो कहानी उन्होंने बनाई है वो कहानी कहना क्या चाहते हैं। तो हम लोगों की बॉन्डिंग तो इतनी अच्छी है कि ये जो स्टोरी नरेट करते हैं जब ये शुरू करते हैं या जब से इन्होंने प्लानिंग किया, मैं तब से एक्चुअली वो किरदार, वो स्टोरी, वो कहानी इनके साथ में एक्चुअली जी रहा हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब आप करेक्टर के, जब आप सिचुएशन के हिसाब से कुछ अगर गीत लिखते हो तो आप कुछ नया लिखते हो, अदरवाइज ऑर्डनरी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। पर ये फिल्म के लिए हम लोग की कोशिश है कुछ भी ऐसा ऑर्डनरी ना हो, जब लोगों के सामने आए तो लगे कि यार ये चीज़ें जो हैं पहली बार ऐसे थॉट, जैसे म्यूज़िक का संजीव दर्शन जी ने बताया, डायरेक्टर साहब ने अपनी फिल्म का बताया, एज ए लिरिसिस्ट मेरी हमेशा कोशिश है इसके लिए इसमें यही रहेगी कि थॉट ऐसा है आप सबको लगेगा कि यार ये थॉट 80 के दशक के ज़माने के बीच में से अगर किसी ने जो बो दिया या पैदा या उगा दिया तो अपने आप में वो बिल्कुल नया नया सा लगे। वो हमारी कोशिश होगी इस फिल्म के लिए डायरेक्टर साहब के साथ और संजीव दर्शन जी के साथ बैठ करके कि वो म्यूज़िक आप सबको लगे कि वाह ये म्यूज़िक हम लोग को चाहिए। गीत एक ऐसी चीज़ होती है सबसे पहले आत्मा को छूता है और ये भारत में बड़ा फिक्स है या पूरी दुनिया में ऐसा होता होगा, जब आप तकलीफ में होते हो या अकेले में होते हो तो आप लिरिक्स को सुनना पसंद करते हो, फिर आप गीत को नहीं, आप संगीत नहीं सुनते हो। अगर आपका कोई गीत पसंद यानी लिरिक्स सब पसंद करना लोग शुरू कर दें तो वो आपकी एक मतलब प्लस पॉइंट है कि आपके गीतों को लोग समझना शुरू करें कि अरे इस गीत का मतलब ये था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गीत भी एक्चुअली लोगों के दिमाग में और दिल पर छाए कि यार इस गीत का ये मतलब और बड़ा खूबसूरत है और हमको मज़ा आया सुन के। हाँ, इसमें मायावती का भी करेक्टर है, मायावती का एक करेक्टर है क्योंकि मायावती के पार्टी में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उनका भी मैंने वो पूरा एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है उनकी लाइफ का और वो पूरा मुझे दिखाना है फिल्म में। मेरे ख्याल से मोदी जी का तो जहाँ तक थोड़ा बहुत तो कि भाई पार्टी तो वही है, पार्टी तो बीजेपी ही है ना जो आज वो है इस वक्त पे पावर में है, मोदी जी की पार्टी है, बीजेपी तो मोदी जी की पार्टी है तो उसमें तो उनका होना तो ज़रूरी है कि भाई वो तो मेन बॉस है, प्रमुख है। एक मैसेज था हमारे नंद जी का, नंद जी मतलब उनके जीवन में एक बड़ा अच्छी बात है कि उन्होंने गरीबी भी देखी है और आज बहुत रिच हैं वो, लेकिन अभी अपने आप को रिच नहीं समझते, वो ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन पे पुराने से गद्दे पे मैंने उनको देखा है टेरिस पे सोते हुए, आज भी वो वैसे ज़मीन से छुले हुए हैं, ज़मीन टच है वो, उनको कहीं कोई घमंड नहीं है, वो कोई प्राउड फील नहीं करते कि वो इतने बड़े रिच हैं, नंदी राइस मिल इतना बड़ा उनका इनका मतलब इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो उनको ये नहीं लगता कि मैं वो हूँ और बहुत अच्छा। और दूसरी बात यह कि इनका एक और मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं, लड़कियों की शादी कराना है चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जात के पासी हो या छोटी जात हो या दलित हो, वो उनमें कुछ नहीं है, वो ये चाहते हैं कि किसी की हेल्प कर सकें हम, किसी की मदद कर सकें, आज भी उनके दिल में यही भावनाएं हैं और बिल्कुल सिंपल सादे से हैं, कोई घमंड नहीं है, ईगो नहीं है उनमें। ओके, क्या उसके जाने का हमला हुआ था उसको भी दर्शाया जाएगा? बिल्कुल दर्शाया जाएगा, क्यों नहीं,
आरडीएक्स का उनके ऊपर अटैक हुआ था, जिस वक्त ये कैबिनेट मिनिस्टर थे मायावती सरकार में, उस वक्त पे हुआ था उनके ऊपर हमला। जबकि बिल्कुल बताया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा कि इसके इसके पीछे क्या था, क्या नहीं था, कौन लोग हैं, कैसा क्या है, वो जो सब है वो तो जो जहाँ तक कानून में बातें हैं वो तो दिखाएंगे ही ना हम। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।